Good afternoon, students. I am Preeti, computer teacher from Jeevan Jyoti Convent School. बेटा आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और आपने 7 चैप्टर में पावर पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था कि उसमें प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं. ठीक है बेटा, तो प्रेजेंटेशन हम क्रिएट करते हैं जो हमारी मल्टीपल्स स्लाइड्स होती हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड्स इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन. तो मीन्स प्रेजेंटेशन के लिए हमें स्लाइड्स को क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि हमारी एक प्रेजेंटेशन क्रिएट होती है. ठीक है बेटा, तो जो स्लाइड्स हम क्रिएट करते हैं उनको किस किस तरीके से हम देख सकते हैं आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर आपका है 8. ठीक है बेटा, व्यू दी प्रेजेंटेशन. ठीक है बेटा, व्यू दी प्रेजेंटेशन. ठीक है, अब अपनी प्रेजेंटेशन को किस किस तरीके से देख सकते हैं. अब देखिए, प्रेजेंटेशन आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइड्स होता है ना. ठीक है बेटा, इसमें आपका है टॉपिक स्लाइड व्यू एंड नेक्स्ट इज व्यू स्लाइड शो. ठीक है बेटा, तो देखिए फर्स्ट इसमें है आपका स्लाइड व्यूज. तो इसमें आपके जो स्लाइड्स व्यू हैं वो आपके ये देखिए, फर्स्ट होता है आपका नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नॉट पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू, रीडिंग व्यू एंड मास्टर व्यू. ये बेटा आपके 6 टाइप के व्यूज़ हैं. ठीक है बेटा, इन 6 टाइप से हम अपनी स्लाइड्स को देख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए जब भी आप अपने पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आपका जो पेज ओपन होता है वो आपका नॉर्मल व्यू होता है. ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका ओपन होता है ना पावर पॉइंट की विंडो, तो ये आपका बेटा होता है नॉर्मल व्यू होता है. ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है. बाकी हम औरों को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर हमें स्लाइड शॉर्टर देखना है तो वो हम देखेंगे चेंज करके इसको. ठीक है, लेकिन जो आपका नॉर्मल व्यू होता है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कि मीन्स जब भी हम ओपन करते हैं तो आपका नॉर्मल व्यू ही आता है. ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल व्यू में हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं. मेन एडिटिंग व्यू होता है ये, इसमें हम राइट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो ये आपका होता है नॉर्मल व्यू. और ये स्लाइड्स व्यू हम देखेंगे कहाँ से बेटा, यहाँ पर देखिए सारे आपके प्रेजेंटेशंस व्यू आ रहे हैं. ठीक है, तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं व्यू टैब के अंदर. ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका नॉट पेज व्यू. यहाँ देखिए नॉट पेज व्यू में क्या आता है कि जितनी भी आपने स्लाइड्स को क्रिएट करा है तो हम हर एक अपनी स्लाइड के नीचे अपना एक नॉट लिख सकते हैं. ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, नॉट पेज व्यू. और जब भी आप अपने प्रिंट निकालोगे तो आपके नॉट पेज का भी क्या निकल जाएगा, प्रिंट आउट निकल सकता है. ठीक है बेटा, तो ये आपका होता है, जैसे ये आपकी स्लाइड ओपन है इसके बारे में अगर हमें कोई नोट लिखना है तो हम यहाँ पर नोट लिख सकते हैं. ठीक है बेटा, तो ये आपका होता है नॉट पेज व्यू. क्लियर है, नेक्स्ट आता है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू. स्लाइड शॉर्टर व्यू में देखिए, जैसे अगर आपने ये आपकी यहाँ पर 2 स्लाइड्स क्रिएट हो गई हैं. ठीक है, तो आप इनको अपनी सारी स्लाइड्स को स्मॉल पिक्चर्स में देख सकते हैं, स्मॉल साइज में देख सकते हैं, कि इनको बोलते हैं बेटा थंबनेल्स. ठीक है, क्या है, दिस व्यू ऑप्शन शो ऑल द स्लाइड्स इन द स्मॉल साइज कॉल्ड थंबनेल. ठीक है बेटा, ये आपकी सारी स्लाइड्स यहाँ पर स्मॉल साइज में शो हो जाएंगी, तो वो होता है आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू. क्लियर है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका रीडिंग व्यू. रीडिंग व्यू में क्या होता है कि रीडिंग व्यू पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपकी जो स्लाइड है वो आपकी एक लाइक अ विंडो की तरह ओपन हो जाएगी. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये आपके पूरे पेज पर ओपन हो रही है, तो आपकी एक विंडो की तरह शो होगी. ठीक है, दिस व्यू इज़ यूज टू व्यू द प्रेजेंटेशन इन अ विंडो विद अ सिंपल कंट्रोल दैट मेक द प्रेजेंटेशन इजी टू रिव्यू. ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड के जो कंटेंट है हमारा उसको इजीली हम देख भी सकते हैं. ठीक है, आपकी जो स्लाइड है वो आपकी एक विंडो की तरह शो हो जाती है, तो ये आपका होता है रीडिंग व्यू. क्लियर है बेटा, तो आज हम आपका बेटा यहीं तक करेंगे, आगे हम इससे आगे करेंगे कल. ठीक है बेटा, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है मेरे से पूछ लेना. ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.